शास्त्री को लेकर एक बड़ा बवाल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर। धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों से तमाम चीजें गरमाई हुई हैं। तस्वीरें धीरेन्द्र शास्त्री की आप देख रहे हैं इस वक्त। जल्दी धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक हम आपको ले चलेंगे। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वो अपने इष्ट पर विश्वास करते हैं, अपने इष्ट के विश्वास के आधार पर वो कोई चीज कायम करते हैं, लेकिन चमत्कार और तमाम दूसरी चीजों से जोड़े जाने के चलते धीरेन्द्र शास्त्री की खासी आलोचना भी हुई है। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में आपके टीवी स्क्रीन पर होगी। रामभद्राचार्य जो गुरु हैं, उन्होंने कहा धीरेन्द्र शास्त्री मेरे शिष्य हैं, अच्छा काम करने पर सवाल उठाते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री मेरे शिष्य हैं। जल्दी उनके गुरु रामभद्राचार्य की तस्वीर और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप तक लाइव होगी। तकनीकी कारणों से कुछ व्यवधान सामने आ रहा है, लेकिन जल्दी हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको दिखाएंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु का क्या कुछ कहना है। तो लीजिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में छतरपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मध्य प्रदेश में छतरपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को यह धमकी मिली, जान से मारने की धमकी। रिश्तेदार के पास धमकी भरा फोन आया। मध्य प्रदेश में छतरपुर पुलिस ने इसके चलते एफआईआर दर्ज की है कि आखिर किसने ये धमकी दी है, वजह क्या है जिसके चलते धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। तस्वीरों में धीरेन्द्र शास्त्री आपको दिखाई पड़ रहे हैं, उनके गुरु रामभद्राचार्य भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ वो कहते हैं वही हम आपके सामने रखने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। ये भी उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री मेरे शिष्य हैं, हमारा शास्त्र ही चमत्कार है। रामभद्राचार्य का कहना भगवान के आशीर्वाद से सब संभव है, ऐसा रामभद्राचार्य का कहना है जो कि धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को इस बीच जान से मारने की धमकी मिली है। हम लगातार आपके सामने खबरों का अपडेट रख रहे हैं। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री अपने इष्ट पर यकीन करते हैं, उनका कहना है कि वो अपने इष्ट पर उनकी आस्था बड़ी है और कायम है, और उसी आस्था के चलते वो लोगों को तमाम उपाय सुझाते हैं, लेकिन वो चमत्कार का दावा नहीं करते। हालांकि चमत्कार जैसी बात सामने आने के बाद ही धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर खासा बवाल मचा था। ...2023 को मध्य प्रदेश के दमोह में उनकी राम कथा चल रही थी, जहां मैं था। हमने ही उनको बताया कि ये जो लगातार धर्मांतरण हो रहा है, हिंदुओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, तमाम तरह के जिहाद हो रहे हैं, इसकी एक ही दवा है। अगर इस रोग को जड़ से खत्म करना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो हमारी बात को माने, क्योंकि वो साधु संतों का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं, तो उन्होंने हमारा बड़ा जो है तो आदर किया, सम्मान किया, और हमारे इस आदेश को उन्होंने स्वीकार किया, और हिंदू राष्ट्र की उन्होंने सही समय से जो है तो घोषणा किया कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जैसा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, उसी तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो कहा है कि तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। क्योंकि हिंदू राष्ट्र अगर नहीं हुआ तो हिंदू नहीं बचेगा, और अगर हिंदू राष्ट्र हो गया तो हिंदुओं के बीच में सबका सम्मान रहेगा। इसलिए जो भारतीय संस्कृति है, जिसके कारण पूरा विश्व बचा हुआ है, क्योंकि भारतीय संस्कृति ही वसुधैव कुटुंबकम और विश्व कल्याण के भाव का जो है तो प्रचार करती है। बाकी अन्य जो है पंथ और मजहब, उनमें इतनी उदारता नहीं है कि सबका सम्मान कर सके। जैसे इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, वहां मूर्ति पूजा करने वाले को जो है तो उसको काफिर कहते हैं, और उसमें भी जो है क्रिश्चियन भी है कि जो ईसा मसीह को नहीं मानता कहते हैं वो नरक जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ आप किसी को मानो न मानो, हमारे यहाँ कि आप मनुष्य बनो, आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, आप जो है किसी का अपमान मत करो, किसी का शोषण मत करो। तो जो है मनुर्भव, मनुष्य बनो,
इसलिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो कहा है वो उनको हमने ही बताया था। और हमारा चूंकि ये विगत कई वर्षों से चल रहा है, हमने इसके लिए 16 दिन अनशन भी किया, फिर हमने जल समाधि की घोषणा किया था, और हमने शंकराचार्य से लेकर के और सब कथावाचक तक हम जा करके मिल भी रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि सब लोग जो है एकजुट होइए, क्योंकि अगर जनता चाहेगी तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसलिए अब ये समय की मांग है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र बने, राम राज्य सबका भला है इसमें। रिश्तेदार के पास धमकी भरा फोन आया, हालांकि संत कह रहे हैं कि उन्होंने ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से तमाम बातें कहने की बात कही थी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उनकी बातों को माना, लेकिन इस बीच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी छतरपुर में उनके रिश्तेदार के पास फोन आया, जिसके चलते छतरपुर पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है। रिश्तेदार के पास धमकी भरा फोन आया। वही रायपुर के मंच से एक बार फिर धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने मौलवी और पादरी को चुनौती दी है। देखिए, जिस प्रकार से यह अपने साधना के द्वारा और सनातन धर्म को लेकर के चल रहे हैं, उसी रास्ते से चलें तो बहुत अच्छा होगा। यदि यह पादरी को मुसलमानों को चैलेंज देते हुए चलेंगे तब इनके मार्ग में रोड़ा अटकेगा। बहुत से लोग विरोधी हैं, बहुत लोग इनको कहते हैं कि यह ढोंगी हैं, तमाम बातें चल रही हैं। इसलिए जिस रास्ते पर हनुमान जी की कृपा से और उनके आशीर्वाद से आपको जो ज्ञान प्राप्त है उसको सनातन धर्म के नियम के अनुसार आप चलें, वही आपके लिए अच्छा होगा, वही आज तक अच्छा होता आया है। यदि आप किसी वर्ग को किसी जाति को बिना प्रयोजन के यदि आप चैलेंज देंगे तो उसका परिणाम जो होगा आपके हर कार्यों में बाधा पहुंचेगी, और जब बाधा पहुंचेगी तो एक टेंशन उत्पन्न होगा, और जब टेंशन उत्पन्न होगा तो परिणाम ये होगा कि आपकी जो मानसिकता वह गड़बड़ा जाएगी। इसलिए साधना के साधक जो होते हैं शांतिपूर्वक अपने सो कार्यम साधे धीमान, बुद्धिमान वही है जो अपने कार्य को साधन करता रहे। मैं यही राय देता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी को कि आप सनातन धर्म को लेके हनुमान जी की कृपा से, राम जी की कृपा से आप जन कल्याण की बात सोचें और वही जो करते आए करते रहें, और किसी को चैलेंज दें और किसी संप्रदाय की किसी जाति को तो वह उचित नहीं है। आपके तमाम समस्याएं पैदा होंगी, और जो समस्या पैदा होंगी तो आपकी जो साधना है जिस साधना से आप जन कल्याण कर रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए आप वही रास्ता लेकर के चलें जो सनातन धर्म का है, और सनातन हनुमान जी की जो कृपा है, हनुमान जी के प्रसाद से जो आपको मिला है उसी रास्ते से चलिए, वही अच्छा पड़ेगा। और अन्य के अन्य संप्रदाय के अन्य जात के अन्य वर्गों के अन्य को इस प्रकार से चैलेंज देना आपके लिए उचित नहीं है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास इस वक्त कह रहे थे किसी को चैलेंज देकर आगे बढ़ना ठीक नहीं है, अगर चैलेंज देकर आगे बढ़ा जाएगा तो राह में रोड़े आएंगे। वो जो भी कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से राह में रोड़े आते हैं और चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। सनातन के लिए काम कर रहे हैं एक अच्छी बात है, लेकिन किसी को चैलेंज देकर आगे बढ़ना ठीक नहीं है। हम लगातार धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर हो रहा बवाल, हो रहा खिंचाव, राजनीति भी इसमें आ गई है, संत भी इसमें कूद पड़े हैं, तमाम संतों ने उन्हें चैलेंज किया है, बहुत सारे लोग उनके साथ भी आके खड़े हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी गई है, उनके रिश्तेदार के पास धमकी भरा फोन आया, जिसके बाद छतरपुर पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई और छतरपुर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है।